पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने अपनी पत्नी बेटी के साथ में मतदान किया। हमारे साथ अजय राय की पत्नी रीना जी हैं। मैम, मतदान किया, क्या मुद्दे थे, कांग्रेस की कितनी स्थिति देख रहे हैं इस बार आप वाराणसी में या आसपास के क्षेत्रों में? मुद्दे तो बहुत ही हैं भैया, कितनी बोला कितनी गिनाई जाए पता नहीं, लेकिन कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है और उम्मीद है कि अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। अजय राय जी दो बार खुद प्रधानमंत्री को चुनौती दे चुके हैं, पिछले तीन बार से सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक लंबे समय तक पिंडरा से विधायक रहे हैं। इस बार क्या स्थिति देखती है पिंडरा से? इस बार भी स्थिति अच्छी है, अजय राय की लहर है, अजय राय ही जीतेंगे और कोई और किसी का उम्मीद तो हमको नहीं लगता किसी का है वहाँ पिंडरा से, अजय राय ही आएंगे। तो क्या आप मानते हैं कि 2022 ये जो मौजूदा चुनाव है ये तय करेगा 2024 में वाराणसी में क्या कुछ होने वाला है? जी हाँ, एकदम। सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा MPs हम भेजते हैं, तो डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दो बार पिताजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है कि इस बार खुद विधायक लड़कर 2024 की दावेदारी फिर से करेंगे? See, that is a bigger decision beyond all of us. We don't know what we should say about this right now. But हमारे सामने अभी 2022 पिंडरा है, so we're just hopeful and hopeful very, 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 very hopeful. पिंडरा से बहुत पॉजिटिव हैं आप? Definitely, definitely. थैंक यू सो मच। अजय राय की पत्नी और बेटी ने हमसे बातचीत की, जिन्होंने कहा कि 2022, 2024 की पृष्ठभूमि तय करेगा और विश्वास है कि 2022 में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अजय राय चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP News, वाराणसी।